सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेन मैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारतीय रेलवे अब अपने ट्रेनों की सूरत बदलने के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेने जा रही है। इसकी शुरुआत हो रही है नई दिल्ली से लेकर लखनऊ के बीच में शुरू होने वाली तेजस एक्सप्रेस में, जिसकी कमान दी गई है IRCTC को। दोस्तों, ये तेजस एक्सप्रेस 4 अक्टूबर से अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी। और दोस्तों, मैं इस ट्रेन में 4 अक्टूबर को ही जाकर ट्रैवल करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जाकर इसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जर्नी भी करेंगे, इसकी सर्विसेज को भी एनालाइज करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए 5 या 6 तारीख को आ जाएगी। तो अगर आप लोग वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपने सभी जोन्स को ऐसे रूटों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था जहां पर इन प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जा सके, और इसी के साथ में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाने के लिए कहा था, जिसके बाद में 24 ऐसे रूटों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इन ट्रेनों को चलाया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी रूट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है लॉन्ग डिस्टेंस और ओवरनाइट सर्विस, दूसरा है इंटरसिटी सर्विस और तीसरा है सबअर्बन सर्विस। दोस्तों, इसी के साथ में आज यानी कि 27 सितंबर को रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारियों की मीटिंग है, जहां पर इन रूट्स के बारे में और भी ज्यादा चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ में सभी जोन्स अपने इन रूट्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को भी सबमिट करेंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे का मानना है कि प्राइवेट कंपनियां वर्ल्ड क्लास ट्रेन लेकर आ सकती है, जिसके साथ में पैसेंजर्स को वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी मिलेंगी। दोस्तों, इसी के साथ में इन सभी ट्रेन के टेंडरों को पार्टिसिपेटिव बिडिंग की प्रोसेस के थ्रू दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां भारतीय रेलवे को इन ट्रेन्स को चलाने के लिए चार्जेस दिया करेंगी। इसी के साथ में इन प्राइवेट कंपनियों के पास में किराए को डिसाइड करने के पूरे अधिकार रहेंगे। दोस्तों, अब हम लोग बड़े वीडियो में आगे बात करें रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस और ओवरनाइट रूट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर जो रूट्स निकल कर आते हैं वो है दिल्ली मुंबई, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली जम्मू या कटरा, दिल्ली हावड़ा, सिकंदराबाद हैदराबाद, सिकंदराबाद दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और हावड़ा मुंबई। दोस्तों, इसी के साथ में इंटरसिटी सर्विसेज के लिए जिन रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है वो है मुंबई अहमदाबाद, मुंबई पुणे, मुंबई औरंगाबाद, मुंबई मडगांव, दिल्ली चंडीगढ़ या अमृतसर, दिल्ली जयपुर या अजमेर, हावड़ा पुरी, हावड़ा टाटा नगर, हावड़ा पटना, सिकंदराबाद विजयवाड़ा, चेन्नई बेंगलोर, चेन्नई कोयम्बटूर, चेन्नई मदुरई और एर्नाकुलम त्रिवेंद्रम। दोस्तों, इसी के साथ में तीसरी और आखिरी सर्विस के लिए यानी कि सब अर्बन सर्विसेज के लिए अभी 4 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से पहली सिटी है मुंबई, दूसरी सिटी है कोलकाता, तीसरी सिटी है चेन्नई और चौथी सिटी है सिकंदराबाद। दोस्तों, इन सभी रूट्स के ऊपर अभी इंडियन रेलवेज का प्लान है तकरीबन 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का। अब देखते हैं दोस्तों कि आज जो मीटिंग होती है उसमें हमारे रेलवे के अधिकारी किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से टेंडरिंग की प्रोसेस चलती है, और इसी के बाद में ये जो 150 प्राइवेट ट्रेन्स हैं हम लोगों को इन रूट्स के ऊपर कब तक देखने लिए मिल जाती है। हालांकि दोस्तों, मुझको लगता है कि ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में अभी 2 से 3 साल लगेंगे, जिसके बाद में इन रूट्स की फिजिबिलिटी को भी चेक किया जाएगा अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद में जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं उनको शुरू किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोग मुझे जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन 150 प्राइवेट ट्रेन्स के आने के बाद में क्या हमारी इंडियन रेलवेज में बहुत ज़्यादा हम लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्या हम लोगों की जो इंडियन रेलवेज के फेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं इन प्राइवेट ट्रेन्स के आने के बाद में। आप लोग अपने व्यूज़ को ज़रूर से शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों का क्या कहना है इसी प्राइवेट ट्रेन्स के बारे में ज़रूर से बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पहले बनाए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।